हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है? तो जहाँ पे भी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए, मतलब बार बार आपको नाउन ना लिखना पड़े, उसके प्लेस पे अपन किसी भी नाउन का प्रोनाउन फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई राम हुआ तो आप लिख सकते हो ही लिख सकते हो, सीता हुई तो आप शी लिख सकते हो, या प्लूरल हुआ तो दे लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग है तो वहाँ पे इट लिख सकते हैं। तो प्रोनाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए बार बार आपको नाउन ना लिखना पड़े, इसलिए नाउन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? प्रोनाउन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस इज माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इज टाल। माई फ्रेंड दो बार नाउन है। माई फ्रेंड क्या है? नाउन है कि वह क्या है? मेरा फ्रेंड है। और वो क्या है? लंबा है, टॉल है। तो बार बार आपको माई फ्रेंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, दो बार नहीं लिखिए। इस सेंटेंस को आप कनेक्ट अगर करोगे तो ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज माई फ्रेंड, ही इज टाल, और वह लंबा है, वह टाल है, ही इज टॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ राम इज अ हैंडसम बॉय। राम इज अ हैंडसम बॉय। तो वापस से आप अगर बोलोगे कि राम मेरा फ्रेंड है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ही इज माई फ्रेंड, राम इज हैंड, और वह मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, ऐसा। तो बार बार आपको नाउन ना लिखना पड़े, नाउन ना बोलना पड़े, इसलिए नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने दोनों एक साथ इसलिए बता रही हूँ कि इस दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। मैम, सर, जो भी है, आप जिससे भी पढ़ते हो बोलते हो कि इसमें भी वही आ रहे हैं हु हूँ हुज, और यहाँ पे भी वही हैं प्रोनाउंस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनमें यह डिफरेंस है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जो सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन होता है आपका, उसमें क्वेश्चन करने का काम करते हैं, मतलब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो बोध करवाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, मींस वहाँ पे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं। जैसे हु, कौन, हुम हो गया, किसको, हुज, किसका, विच, कौन सा, व्हाट, क्या, ये तो सबको बहुत यूज़ होता है। आस्क अ क्वेश्चन, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं अगर ये सेंटेंस, और ऐसे भी ये हमेशा आगे रहेंगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट में ही लगे रहेंगे। जैसे फर्स्ट देखते हैं हु टोल्ड यू, उसने तुमसे किसने कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो गया, जहाँ पे आपको क्या कर क्वेश्चन करता है कुछ, वहाँ पे यूज होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव कुछ दो सेंटेंस या दो वाक्य में, जो भी दो क्लोजेस है या किसी दो के बीच में क्या बनाता है, रिलेशन बताता है। रिलेटिव से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, रिलेशन बताता है, रिलेट करने का काम करता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। वो लड़का जो खड़ा है वह मेरा भाई है, वो ये वो है, वह जिसका ये पेन है वह मेरा भाई है, ऐसा जो भी रिलेट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे दिया है हु, तो इसमें आप अगर अपन रिलेटिव प्रोनाउन के में देखेंगे तो जो, जिसने, विच का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे, जो, हुज अगर होगा तो यहाँ पे जिसका, दैट दूर की वस्तु के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस जो है वो बीच में आएंगे। कहाँ बीच में आएंगे? टेंस के बीच में, सेंटेंस के दो भागों को जोड़ने का काम करते हैं, हुम, जिसे। ठीक है, रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लोज, दो क्लोज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज या दो सेंटेंस के दो भाग बोल सकते हैं आप, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द पेन विच आई बोट यस्टरडे। ये वो पेन है जो उसने कल खरीदा था, जो उसने यस्टरडे खरीदा, बॉट। ठीक है, देखते हैं इनका यूजेस, फॉर एग्जांपल से समझ आता है। जैसे इंट्रोगेटिव में देखा जाए तो हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू,
स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ रही है और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। द स्टूडेंट हु केम हियर वॉज संजय सन है, कौन की बात हो रही है यहाँ पे, जो स्टूडेंट वो क्या था, संजय का बेटा था, सन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो यदि रिलेटिव प्रोनाउंस वहाँ यूज़ होंगे जहाँ भी आपके जो सेंटेंस है, सेंटेंस में यदि आपको पर्सन दिया है आगे, प्लस आपको ब्लैंक दिया है या एरर दिया है या जो भी, मतलब पर्सन के बाद में आपको कोई सा भी प्रोनाउन अगर पूछा है तो वो पीछे वाले के अकॉर्डिंग आता है। मतलब आगे पर्सन है और पीछे आपको कोई नाउन दिया है तो हुज़ यूज़ होगा, आगे पर्सन है और पीछे कोई प्रोनाउन दिया है तो हुम यूज़ होगा, और आगे पर्सन है एंड पीछे वर्ब दी है तो हु यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, बिना एग्ज़ाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा। ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, जैसे कोई नाउन आता है, नाउन हुज क्यों आता है और हुम क्यों आता है, हु क्यों आता है, इसलिए कि नाउन मतलब आपको किसी के बारे में बताना है कोई चीज़, नॉमिनेटेड वर्ड, हुज मतलब पोजेशन, हुज क्या करता है, पजेसिव केस है तो पजेशन बताता है। प्रोनाउन आ गया है मतलब उससे पहले आपका सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। हुम क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस है, और हु जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही तो आती है, मतलब वर्ब से पहले पूछा है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, प्रोनाउन से पहले पूछा है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और नाउन हुज किसका, किसकी, किसके, मतलब का, की, के पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पजेसिव केस हुज। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द बॉय हुम आई सॉ इन द मार्केट। ये वह बॉय है जिसको उसने कहाँ देखा था, मार्केट में देखा था। तो ये आगे पर्सन आ रहा है और पीछे देखो आई प्रोनाउन है, यहाँ देख लेते हैं, ये आगे क्या है, पर्सन है, भाई साहब लंबी नाक वाले खड़े हैं। ठीक है, और पीछे प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, आई, मी, माय, वी, यू, कोई सा भी प्रोनाउन है अगर आपका, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है हुम। तो ये यहाँ आ गया हुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ द बेगर हु स्टोल माय सूटकेस। ये वो भिखारी है जिसने मेरा सूटकेस क्या किया, स्टोल किया, चुराया। ठीक है, स्टोलन, तो यहाँ पे स्टोल क्या है, वर्ब है, वर्ब है, मेन वर्ब हो गई, चाहे कोई से भी हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब है तो आगे यूज़ किया जाएगा हु। देख सकते हो आप यहाँ पे, वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख लेना, ये वर्ब है तो आप लगाना है हु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही इज़ मैन हुम यू कैन ट्रस्ट। यहाँ पे भी देखो ये मैन आ रहा है, मैन एक क्या है, पर्सन है, आगे पर्सन एंड पीछे प्रोनाउन है, प्रोनाउन दिया है, अभी बताया था आई, यू, मी, वी, कुछ भी प्रोनाउन आए तो आपका हुम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। नाउन आ रहा है, इधर आगे वुमेन क्या है, पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन है, और इधर क्या आ रहा है, चाइल्ड, ये भी पर्सन है। ठीक है, सॉरी, नाउन है, मतलब वही नाउन पर्सन हो सकता है या कोई अदर नाउन भी हो सकता है आपका, तो नाउन है, ये नाउन है, इसलिए यहाँ यूज़ किया गया हुज़। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नाउन आता है और तो हुज़ यूज़ किया जाता है। हुज़ मीन्स जिसका। ठीक है, द चिल्ड्रन हु वर देयर वर फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, वह बच्चा, वो, जो के लिए हु। आगे चिल्ड्रन मतलब पर्सन दिया है। ठीक है, और पीछे यहाँ पे ये वर्ब दी है तो क्या आ जाएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, आपका आएगा हु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी ऑलवेज लाइक मैन डैश स्पीक द ट्रूथ। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, और आपको अब तक तो समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अगला देखते हैं, हुज और विच कहाँ यूज़ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में।
अब हुज़ और विच का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब आगे क्या हो, यहाँ पर्सन नहीं है, वहाँ पे क्या था, आगे पर्सन था, मतलब सब्जेक्ट के रूप में क्या आना था, आपका पर्सन था, लेकिन यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है आपकी, ठीक है? नॉन लिविंग हो सकता है मतलब कोई वस्तु हो सकती है, या फिर नॉन लिविंग वस्तु, या फिर आप बोल सकते हो कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है? कोई थिंग्स हो सकती है नॉन लिविंग, या फिर कोई जानवर हो सकता है। तो अगर आगे मतलब सब्जेक्ट के रूप में ये है और पीछे यदि आपको नाउन दिया है तो आपको लगाना है हुज, पजेसिव, किसका, किसके, ठीक है, जिसका, जो भी है। और नाउन के अदर कुछ भी आ जाए, अदर मतलब आपका अगर प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए या और कुछ भी, तो फिर आपको लगाना है विच, ठीक है? कब, किस केस में, यहाँ आगे पर्सन का केस नहीं है, आगे यहाँ पे या तो आपको नॉन लिविंग थिंग दोगी, कुछ भी वस्तु हो जाए चाहे, या फिर कोई जानवर दिया हो, ठीक है? जिसे एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्लोवर्स, फ्लोवर्स क्या हो गए आपके, नॉन लिविंग थिंग हो गई, वस्तु हो गई, या ठीक है मतलब कोई पर्सन नहीं है, बस पर्सन के अदर आप समझ सकते हो। ग्रो, फिर क्या आ रही है यहाँ पे, वर्ब आ रही है, नाउन नहीं है, ग्रो करना। इन अवर गार्डन आर नॉट फॉर सेल, जो भी उसके फ्लोवर्स उसके गार्डन में क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको वो सेल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ग्रो मतलब ये वर्ब दी है, वर्ब दी है, और आगे ये यहाँ पे नाउन के अदर कुछ है, वस्तु है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा विच, ये विच आ गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ आती है। दिस इज़ द कार डैश विच आई हैव बोट इज रेड। देखो यहाँ पे कार दिया है नॉन लिविंग थिंग के, ठीक है, कोई वस्तु है, कार है, और पीछे प्रोनाउन है, आई दिया है मतलब आपका प्रोनाउन है, ये आई दिया है तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन आ रहा है, वस्तु है, विच लगा देंगे, ये विच लगाया, ये आंसर हो गया। दिस इज द कार विच आई हैव बोट इज रेड, ठीक है? सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन दिया है, अ रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव। अ रूम्स क्या है, वही नॉन लिविंग थिंग, कोई वस्तु हो गई आपकी। डोर्स, डोर्स क्या हो गया, नाउन है, डोर नाउन है। अगर आपको ऐसा नहीं पता चल रहा तो डोर होता है जिसे, क्या लिखते हैं अपन, डोर, लेकिन प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए डोर्स लिख देते हैं, या ठीक है, तो किसी भी नाउन में ऐसा लगा कि उसको प्लूरल बनाते हैं, तो डोर्स क्या है, नाउन है, नाउन है, आगे वस्तु है, तो आप क्या लगा दोगे, हुज लगा देंगे, हुज, अ रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव। जो ये वो रूम है जिसका या जिसकी, जिसके जो भी ये डोर्स क्या करें, पेंटेंट पेंट करें, जो क्या हो रहे हैं, लुक्स मतलब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। फोर्थ है, नीलू हैड अ बुक डैश ही बॉट एट अ शॉप। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, फोर्थ नंबर का और ये सिक्स नंबर का, दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दैट का यूज़ कहाँ किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन में। दैट का, दैट का सो सिंपल है, सुपरलेटिव डिग्री आपको पता ही है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दैट का यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट आ रहा है यहाँ पे, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दैट यूज़ किया गया है। वी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट आई हैव नेवर सीन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉरी नेक्स्ट रूल है, या आपके क्वेश्चंस में क्या आ जाए, द सेम या फिर द सच प्लस नाउन आए तो आपको दैट लगाना है। इतना याद नहीं रहे तो द सेम द सच के साथ आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, ये बॉय क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन है, ये द सेम है एंड ये नाउन है, और यहाँ आपने लगाया दैट, दैट मेट मी ऑन द रोड, दिस इज द सेम बॉय, ये उसके जैसा, सेम बॉय है जैसा कि उसने कहाँ देखा था, रोड पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिस इज द सेम डॉग विच वॉज रनिंग ऑन द रोड। पहले अपन इस क्वेश्चन में आते हैं, आपने इससे पहले वाला रूल पढ़ा, यहाँ पे नाउन देखा, पीछे वर्ब देखी, आप यहाँ पे हु लगा दोगे, तो यहाँ हु नहीं आएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों होगा, थोड़ा सा और ध्यान रखना है, हु की प्लेस पे आप और क्या लगा सकते हो, जब सेंटेंस में द सेम दिया हो तब हु नहीं आता है, तब तो देट का देट ही आता है, तो यहाँ हु गलत हो जाएगा, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द सेम डॉग विच वॉज रनिंग ऑन द रोड, तो यहाँ पे भी द सेम आ रहा है, तो जबकि उसने क्या दिया है, विच दिया है, जो अभी अपनों ने देखा था
इधर कि कोई जानवर आता है और वर्ब आती है, ये यहाँ पे कोई जानवर आता है, ठीक है, और फिर ये वर्ब दी है, तो आप क्या लगा रहे थे, विच लगा रहे थे, जिसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे डॉग दिया है और वर्ब दी है तो विच लगा रहे। बट पहले ध्यान रखना है कि द सेम दिया है, द सेम के साथ ऑलवेज दैट ही यूज़ किया जाएगा, मतलब रनिंग ऑन द रोड, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विच नहीं आएगा, दैट यूज़ किया जाएगा। एरर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ में अगर ये किसी सेंटेंस में लिखे हैं, मतलब वहाँ पे भी आपका दैट यूज़ होगा। देयर वॉज नथिंग दैट कुड टेम्प्ट सौरव, ठीक है, यहाँ पे नथिंग आ रहा था तो अपनों ने दैट लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नवनीत हैज़ लॉस्ट हर पेंस दैट या फिर विच ही बॉट यस्टरडे, दोनों में से क्या आएगा? देखो पहले वाला वो रूल्स याद रखोगे अगर विच वाला, तो आपनों ने देखा था पेंस मतलब कोई वस्तु है अगर आपके आगे, और फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे देखा था, देख सकते हैं आप, ये प्रोनाउन है और वस्तु है, तो अपनों ने विच लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सॉरी, पेंस है, ही है, तो आप विच लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपका फ्यू पेंस है, सॉरी, यहाँ पे ये द फ्यू पेंस, नवनीत हैज लॉस्ट द फ्यू पेंस, फ्यू आ रहा है तो आपका यहाँ पे यूज होगा दैट, ना कि विच, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस, ओनली, दिस इज द ओनली, ओनली दिया है, दैट यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग याद रखना है, और इसके साथ आएगा दैट, फिर आपको वो वाली कंडीशन याद नहीं रखनी है आने वाली, और अगर इनके अदर वो उस क्वेश्चन बन रहा है तो फिर वो वाली कंडीशन लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वही जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाते हैं। तो हु का यूज़ देखते हैं, सबसे पहले हु का यूज़ सब्जेक्ट किस सेंटेंस में क्यों होता है, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए कि कौन, हु आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आपका सब्जेक्ट कौन क्रिकेट खेल रहा है, वही नाउन को शो कर रहा है कि कौन होगा, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो नाउन ही होगा, राम श्याम जो भी है, ही शी जो भी है, तो फिर वो क्या होगी आपकी, नाउन ही होगा, सॉरी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि हुम का यूज़ कहाँ होगा, टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, ठीक है। जैसे कि हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ रहा है पर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने में यूज़ किया जाता है हुम का, हुम हैज़ ही इन्वाइटेड। नेक्स्ट है, अगर आपकी कोई प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको हु यूज़ नहीं करना है, हुम यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। जैसे आप एक्टिव पैसिव वाला सोल्व करा होगा, हु आता है तो आप जब बाय लगाते तो हुम लगाते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बाय हुम हैज़ द रामायण रिटन, किसके द्वारा रामायण लिखी गई है ना, बाय हुम, बाय आया है, प्रीपोजिशन है तो हुम लगाना है, हु नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। टू आ रहा है यहाँ पे, टू हुम आर यू टॉकिंग, तो आप कुछ सोच रहे होंगे कि हम तो पैसिव बनाते तो बाय हुम ही करते हैं, टू कभी नहीं करते हैं, टू भी होता है, विद भी होता है, फ्रॉम भी होता है, फॉर भी होता है, सब होता है, जो भी आपकी वर्ब दी है जिसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, आई टॉक टू लेटर, तो टॉक के साथ में टू यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगाई गई है, टू हुम, टू के प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, हुम यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है हुज़ क्या करता है, टू फाइंड द ओनर, मतलब मालिक को ढूंढना, हुज़ वही पोजिशन बताने के लिए, हुज़ इज़ दैट कार, ये किसकी कार है, हुज़ जिसकी कार है वो, ही इज़ दैट कार,
वॉट, वॉट का यूज़ कहाँ होता है? वॉट का आपको बताया, फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दोनों बताने के लिए, फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, वॉट हैव यू बॉट टूडे। नेक्स्ट है विच का यूज़। अब विच का भी टू फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों करने में, यहाँ पे भी वॉट वही वर्ड, लेकिन जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन की बात होगी, जहाँ पे चॉइस, जहाँ पे आपको दोनों में से एक को चॉइस करना हो, सिलेक्ट करना हो, वहाँ पे विच का यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में। फॉर एग्जाम्पल है विच इज़ यूअर बुक, मतलब इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है, विच इज़ यूअर बुक। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, इन पेन में से आप तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक मोस्ट कौन सा लाइक है, ज़्यादा कौन सा लाइक है। तो जहाँ पे चॉइस की बात होगी, जहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी, वहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में विच का यूज़ किया जाएगा। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम में समथिंग पूछे ही जाते हैं, बाकी प्रोनाउंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, वो मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।